हेलो गाइस, मैं लाई हूँ वेरी इजी एंड क्विकली फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने मीडियम साइज़ के आलू को छील लिया है और एक पानी में डाल के रख दिया है। करीबन 15 मिनट पानी में डालने के बाद मैं चॉपर की सहायता से उसको कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। एक बाउल में ठंडा पानी लेना है, नमक डालना है, थोड़ा सा शक्कर डालना है, फिर उसको हल्के हाथ से घोल देना है। घोलने के बाद जो अपन चॉप किए थे आलू उसको पानी में डाल देना है। मैं थोड़े से ही आलू चॉप कर दी थी, ये देखिए, ये मैंने पूरे आलू चॉप करके बाउल में और फ्रिज में रख रही हूँ। इससे ठंडा हो जाएगा आलू और थोड़ा देर में उसका स्टार्च पूरा निकल जाएगा, ये देखिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा आलू को फिर से एक बार धो के छन्नी में ऐसे छान दीजिए। थोड़ा देर बाद जब पानी निकल जाए तो एक सूखे कपड़े में आलू को बगरा दीजिए। हल्के हाथ से आलू को सोफ कीजिए जिससे पानी उसका पूरा सूख जाए। प्लीज़ अगर मेरी लाइक वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर तेज आंच में एक बार आलू को डाल कर तल लेना। देखिए मैंने तल लिया है, हल्का सा तल लिया है। अब फिर से मैं तेज आंच में आलू को तल रही हूँ, ये देखिए, सुनहरा होने तक, गोल्डन होने तक तलना है। मैं ये देखिए तल रही हूँ। अब इसको टिश्यू पेपर में मैंने निकाल लिया। अब देखिए बिल्कुल बाजार जैसे बनी है। मेरा बच्चा बोल रहा है मम्मा दो, मम्मा दो। ये देखिए मैं एक प्लेट पे सर्व कर रही हूँ। इसमें आप हल्का सा नमक डाल दीजिए और बच्चे को दे दीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब्स।